जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की अंधेरी पर आसमान जो लिखा तार ना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, भाई साहब मेरा ख्याल है हमें विशाल का इंतजार नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारा शौहर जरूर हूं लेकिन मैं तुम्हें बीवी होने का वो हक कभी भी नहीं दूंगा। मैं जानता हूं पूर्णिमा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। हाँ मैं करती हूं और करती रहूंगी। शिकायत तो मुझे बहू से भी नहीं है, वो अपनी माँ की बातों में आ गई थी। वादे के मुताबिक ये लो 85 मिलियन दिरहम का चेक, बाकी के पैसे मैं 2 महीने में दे दूंगा। अगर तुम मेरे साथ नहीं रह सकते तो तुम मेरा फैसला कर दो। अगर तुम चाहती हो तो मुझसे खुला मांग सकती हो। शमशेर राज का इकलौता बेटा लौट आया है। हेलो विशाल पर नजर रखो जोसेफ, मैं उसे किसी भी तरह हिंदुस्तान वापस भेजने का चक्कर चला रहा हूं। जैसे वो वहां आए उसे खत्म कर देना, और ना शमशेर राज का ये बेटा मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर देगा। विशाल राज has to die, he has to die, okay? Repeat it, ma'am. अरे वाह बरखुरदार, तुमने तो अपने आप को बस शराब में डुबो दिया है, हाँ? कमल बाबू यही तो एक सहारा है, बाकी सबने तो साथ छोड़ दिया। क्यों? पूर्णिमा ने? उन्होंने तो हमें ठुकरा दिया कमल बाबू। उसने तुम्हें ठुकराया नहीं है सूरज, ये उसकी मजबूरी है, उसका पति लौट आया है। विशाल लौट आया? आज सुबह ही मुझे मिला था, पता नहीं अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचा है वो। शायद उसे तुम्हारे और पूर्णिमा के बारे में पता लग गया हो। कमल बाबू हम तो उनकी जिंदगी से निकल चुके हैं, अब तो उनकी खुशियों के लिए दुआएं मांगते हैं, और शायद भगवान ने हमारी दुआएं कबूल भी कर ली। ये सब कहने की बातें हैं सूरज, औरत कभी खुश नहीं रह सकती। ये आप क्या कह रहे हैं? तुमसे प्यार करती है सूरज, विशाल को अपनाना तो उसकी मजबूरी है। तुम चाहे उसकी जिंदगी में रहो या ना रहो लेकिन तुम्हारी यादें उसे अपने पति की होने नहीं देगी। आई रियली फील वेरी सॉरी फॉर यू सूरज, भगवान तुम्हें यह सदमा बर्दाश्त करने की शक्ति दे। ओके ऑल द बेस्ट।
मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है सूरज, मैंने तुमसे मोहब्बत की है, करती हूं और करती रहूंगी। पर बेटी, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। मैं तो तेरे भले के लिए सब कर रही थी। भले के लिए? ये भला किया आपने? मेरे घर को बसाने के बजाय उसे तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया आपने अम्मी। अरे पर मैंने ऐसा क्या कर दिया? आप ही ने तो सब कुछ किया, आप ही ने मुझे भड़काया, आप ही ने मुझसे ऐसी हरकतें करने को कहा जो मेरे शोहर और ससुर को नागवार गुजरे। पर मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कि तुम और फैसल अकेले रहो। अकेले रहे? क्यों रहे हम अकेले? सिर्फ इसलिए कि हमारी गलतियों को कोई ना टोके और हम उन्हें सुधारने की बजाय और गलतियां करते रहे। अम्मी, पहले तो मैं आजादी चाहती थी, कोई टोकने वाला नहीं चाहती थी, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि एक बुजुर्ग का घर में होना कितना जरूरी है। अम्मी, क्या आप लोगों ने हमें नहीं टोका, हमारी गलतियों को नहीं सुधारा? अम्मी, अम्मी, मेरे शोहर ठीक कहा करते थे कि अगर तुम अपनी ससुराल में नहीं बस पाओगी तो और कहीं नहीं बस पाओगी। अम्मी, आज के बाद मैं इस घर में कदम तक नहीं रखूंगी, और हाँ, हो सके तो आप भी कभी मेरे घर ना आए। अल्लाह हाफिज़। रिजवाना बेटी, तुम चाहे उसकी जिंदगी में रहो या ना रहो, लेकिन तुम्हारी यादें उसे अपने पति की होने नहीं दी। उसका पति लौट आया है। मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है सूरज। अजय। हाँ अंकल। बेटा, क्या तुम्हें इस बात की जानकारी है कि हमारे होटल्स के शेयर्स तेजी से गिरते जा रहे हैं? जी। और उन्हें कोई तेजी से खरीद रहा है? जी, मुझे ये भी मालूम है। तो क्या तुम्हें पता है कि अगर किसी के पास 25% से ज्यादा शेयर्स आ जाते हैं तो वो हमारी बोर्ड का मेंबर बन जाता है, उसका डिसीजन मेकिंग में से होगा? घबराइए मत, तो वो शेयर्स मैं ही खरीदूंगा। तू? हाँ, कमल चोपड़ा को मैंने अपने होटल के 45% शेयर्स जो मेरे नाम में है, मैंने अच्छे रकम में दिए, अच्छे दाम में दिए उसे, और उसके दिए हुए गए पैसों से मैंने अपने होटल के शेयर्स मिट्टी के मोल खरीदे। राज अंकल, अगर उसने मेरे साथ होशियारी की तो पूजा के शेयर्स मिलाकर मेरे पास उससे ज्यादा शेयर्स होंगे, और फिर वो बेचारा चाहकर भी उस कुर्सी पर नहीं बैठ पाएगा। पर तब तक तो हमारे होटलों के बंद होने की नौबत आ जाएगी। दैट इज कमल चोपड़ा'स प्रॉब्लम। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन इससे तुम्हारे हाथ क्या आएगा? मेरे हाथ कुछ आए या ना आए, शमशेर राज बर्बाद हो जाएगा और मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। ठीक है, 10:30 बजे की अपॉइंटमेंट रख दो। हाँ, मैं बस निकल रही हूँ। अब क्यों आए हो यहाँ? क्यों मेरे जख्मों को खुरेदना चाहते हो? तुम्हारे जख्मों को भरना चाहता हूँ पूर्णिमा। पूजा का हाथ मांगने आया हूं तुमसे। क्या कहा तुमने? मैंने कहा मेरी शादी पूजा से करवा दो। सूरज, तुम होश में तो हो? होश में हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं। मैं तुम्हारे त्याग की वजह से हाथ में आई दौलत तो नहीं कमा सकता ना? मतलब ये पूर्णिमा के मुझे तुम में कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी। दिलचस्पी थी तो तुम्हारी दौलत से, वरना मुझ जैसा लड़का तुम जैसी बड़ी उम्र वाली औरत के साथ क्यों इन्वॉल्व होता? मगर मेरी बदकिस्मती के तुम्हारी बेटी भी मुझे प्यार करने लगी और तुम आहिस्ता आहिस्ता मुझसे दूर होती चली गई। मगर इसमें मेरा क्या कसूर? मुझे अपने इतने दिनों की मेहनत का कुछ तो सिला मिलना चाहिए। मां नहीं तो बेटी सही। करना चाहिए था।
सच्चे दिल से चाहा, तुम इतने नीच निकले। नहीं पूर्णिमा, नहीं, ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर की वो चलन बोल रही है जो तुम्हें अपनी बेटी से है। तुम उस मासूम का बसता हुआ घर नहीं देखना चाहती, खास करके उस इंसान के साथ जिसे तुम चाहती हो। लेकिन पूर्णिमा, क्या तुम सिर्फ अपने फायदे के लिए अपनी बेटी का घर नहीं बसने दोगे? नहीं पूर्णिमा, नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या तुम अपनी बेटी की जिंदगी तबाह कर दोगे? तबाह? तबाह तो आप हम दोनों की जिंदगी को कर चुके हैं। अब इससे पहले कि मेरा भी हाथ उठे, आप यहां से चले जाइए प्लीज। मुझे क्या? जस्ट गेट आउट ऑफ दिस हाउस। मुझे तुम? आई सेड जस्ट गेट आउट। बेटी, जो कुछ भी हुआ है अच्छा ही हुआ है। शुक्र है भगवान का कि वक्त से पहले हमें इसकी असलियत पता चल गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। सब ठीक हो जाएगा बेटी, सब ठीक हो जाएगा। धीरज रखो, ठीक हो जाएगा। राजा के लिए जो क्लॉज है ना, इन द इवेंट ऑफ यू टेकिंग ओवर। यस सर, कॉल फ्रॉम मुंबई। हेलो अजय बेटे। हाँ बिरजू काका, बोलिए, सब खैरियत तो है ना? बेटा खैरियत नहीं है बेटे। क्यों, क्या हुआ? माँ ठीक है ना? अरे उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। दुबई से कोई खत आया था, पता नहीं किसने लिखा था, तो वो पढ़ के ना एकदम बावली हो गई, हार्ट अटैक आ गया। हमने अस्पताल ले गए हम उसको। क्या? और डॉक्टर ने कहा बहुत सीरियस है बेटा, जल्दी से फ्लाइट पकड़ के आ जाओ बेटा तुम। अजय, क्या हुआ? मेरी माँ को सीरियस हार्ट अटैक आया है, डॉक्टर का कहना है कि वो नहीं बचेगी। मुझे आज ही बॉम्बे जाना होगा राजनकर। बेटे मुझे भी साथ ले चलो आप। हाँ बेटा, आरती से मिलना है मुझे एक बार, बहुत बड़ा कसूरवार हूँ मैं उसका, उससे माफिया मांगनी है, प्लीज मुझे ले चलो। ये क्या कह रहे हैं आप, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा ये कहने सुनने का वक्त नहीं है इस वक्त। अगर मैं उसके पास नहीं पहुंचा तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। प्लीज मुझे उसके पास ले चलो बेटा, प्लीज। कौन है आप? मैंने पूछा कौन है आप, कौन है आप? मैं तुम्हारा बाप हूं बेटे। तो आप हैं विशाल राज? हा? हाँ बेटा, मैं ही वो बदनसीब विशाल राज। प्लीज मुझे अपनी माँ के पास ले चलो प्लीज। अब तुम्हारा उससे क्या वास्ता? तुमने तो उसे तलाक देकर दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था, और तो और तुमने मेरे साथ इस ऑफिस में काम करके मुझे धोखा दिया है। जिस चिट्ठी को पढ़ के मेरी माँ की तबीयत खराब हुई है वो चिट्ठी तुमने लिखी है ना? यूएई में मेरी मां का पता सिर्फ तुम जानते थे, क्योंकि वो पता मैंने तुमको दिया था। हेलो बेटा अजय, तुम्हारी मां नहीं रही है अब। क्यों अजय, अजय क्या हुआ बोलो बेटा, क्या हुआ? मेरी मां मर गई। खुश हो रहा तो इस काम को पूरा करने का तुमने बीड़ा उठाया था, आज वो काम पूरा हो गया विशाल राज। दूर हो जाओ मेघना जोर से, पता मैं तुम्हें कुछ करूंगा। चला जाओ यहां से। तुम मेरी मां के काबिल हो विशाल राज।
Excuse me, madam. My name is Suraj Khanna. I had booked a ticket to Delhi. Could you wait for a minute? Sure. Hello? Hello. आप? मैं सूरज आपके घर आया था. हाँ हाँ, वो पूजा को लेने आए. I remember. जी. आप यहाँ कैसे? वो टिकट लेने आया था. मेरी बीवी का स्वर्गवास हो गया. I'm sorry. I'm extremely sorry. हौसला रखिए राजीव, भगवान आपको सब्र दे. सूरज जी, अगर जिंदगी में मैंने किसी को चाहा है तो सिर्फ उसे, और किसी को सबसे ज्यादा तकलीफ दी है तो उसे ही दी. उम्र भर उसे माफी मांगने के लिए ढूंढता रहा, और अब मिली भी है तो हमेशा हमेशा के लिए उसने मुझसे आंखें फेर ली. जानते हैं सूरज जी, हमें सबसे ज्यादा किसके खो जाने का गम होता है? उसका, जिसे हम बेहद प्यार करते हैं. राजी, ये इस वक्त मुझसे ज्यादा और कौन समझ सकता है? क्या मतलब? मैंने आज उसे खो दिया है राजी, जिसे मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहा था. आप पूर्णिमा की बात कर रहे हैं? जी राजी, आज मैं पूर्णिमा और पूजा दोनों को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूं. लेकिन पूर्णिमा तो आपसे बेहद प्यार करती है, और पूजा को भी शादी से कोई एतराज नहीं है. राज जी, पूर्णिमा के पति लौट आए, मैं उनकी जगह कभी नहीं ले सकता. लेकिन पूर्णिमा आपकी जगह अपने पति को भी तो नहीं दे सकती. राज जी, मैंने ऐसा कुछ कर दिया है कि पूर्णिमा और पूजा दोनों मुझसे नफरत करेंगे. मैंने पूर्णिमा से प्यार किया है राजी, खुश रहे बस यही चाहता हूँ. Excuse me, Mr. Suraj Khanna, your ticket is ready. अच्छा राजी, अच्छा चलता हूँ. जिंदगी ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी. हाँ, एक बात मत भूलिएगा, मेरी तरफ से एक लकड़ी अपनी पत्नी की चिता पे जरूर रख दीजिएगा. ईश्वर से दुआ करूंगा कि वो आपको हौसला दे. ओके. आरती ने हमें माफी मांगने का मौका ही नहीं दिया. अब मैं उसे ऊपर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगी? सच गुल भाई, जिंदगी में मैं सिर्फ एक इंसान की कर्जदार थी, और आज वो उस कर्ज को माफ किए बिना ही चली गई. ये बुरी खबर आपको किसने सुनाया? पूजा ने कहा. उसने कहा कि अजय पहली फ्लाइट से ही चला गया. वो और भी कुछ कहना चाहती थी, पर मैं होश में ही नहीं थी. पता नहीं वो क्या कहने की कोशिश कर रही थी. या मेरे परवरदिगार, मेरी गुजारिश है, अगर विशाल पुत्र कही है तो उसे अपनी बीवी के जनाजे को कंधा देने का मौका दे. कुल भाई, पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा. वो होगा भी? तुम फिक्र मत करो भाभी जान, विशाल आएगा. मेरा दिल कहता है विशाल पुत्र जरूर वापस आएगा. गुल खान बोलते है? गुल चाचा, गजब हो गया. वो अब क्या? वो बाबूजी को हार्ट अटैक हो गया है. क्या? समझाना, आया कभी? अभी कुछ ही देर पहले आरती जी की मौत की खबर सुनकर उनके सीने में जबरदस्त पेन शुरू हुआ. और तुमने डॉक्टर को बुलाया कि नहीं बुलाया? हाँ, वो यही है. लेकिन आप माँ जी को लेकर जल्दी आइएगा. आते 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 आते. क्या हुआ भाई? और कुछ नहीं भाभी जान, शमशेरा अभी वापस आया, तक गया था, थोड़ा थोड़ा तबीयत खराब हो गई. तुम चलो जल्दी चलो, वक्त नहीं.